साथ आया, लेकिन मोदी जी का इतना बड़ा कि सब होने उसके आगे। सर आप दावा कर रहे हैं सर, कौन तो जितना नवीन जैन साहब जीते थे 70,000 उससे ज़्यादा जीतेंगे हम इस बार। 3/4 तो पार्षद जीत के पहुँचेंगे भाजपा के, और रिकॉर्ड जिससे हिंद लता जी पहुँचेंगे रिकॉर्ड ये कहेंगे। तो कुल मिला के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय साहब लगातार घूम रहे हैं और दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ में है। निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी क्या परफॉर्मेंस देने जा रही है, उनसे बात करते हैं। निकाय चुनाव चल रहा, मतदान चल रहा, पहले चल रहा, क्या उसका परफॉर्मेंस है? आगरा के हिसाब से हम मेयर रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं और 3/4 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत के सदन में पहुँच रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और योगी जी का व्यक्तित्व कृतित्व और आगरा के हिसाब से यहाँ घर घर गंगा जल पहुँचा है पिछले दौरान भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और प्रत्येक गरीब घर को राशन से लेकर शौचालय, तो बेघर को घर, आयुष्मान कार्ड और गैस मुफ्त में, ये सब जो काम किए हैं अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए हमारी सरकारों ने, मोदी जी और योगी जी ने, उसका परिणाम है कि आज आगरा की जनता ट्रिपल इंजन की सरकार चाहती है। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि लखनऊ के अंदर का गंदगी तमाम है, उसके बीच में लोग निकल के जा रहे हैं और वो बीजेपी को तंज कर रहे हैं कि गंदगी का साम्राज्य करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव का काम अब इतना ही रह गया है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नौच है, और यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दुनिया देख रही है कि कानून व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं, जनता की सुविधाएं और जनता को जल्दी की उपलब्धता, ये सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिल रही है, इसलिए जनता हमारे साथ। मंत्री जी, मायावती जी ने कम से कम आगरा में वाल्मीकि कार्ड खोला, उन्होंने वो एक समीकरण बनाया अपना जाति मसले दलित बोल रहे हैं वाल्मीकि, तो बीजेपी किस तरीके से पेश करेगी? देखिए, वाल्मीकि समाज हमेशा पुश्तैनी रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी रहा है, और मुस्लिम और वाल्मीकि ये बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, इसलिए ये दोनों साथ हो भी नहीं सकते, वाल्मीकि हमारा साथ छोड़ नहीं सकते। योगी जी ने इस बार व्यवस्था दी, चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी कि जो भी बिल्कुल नशीन जितनी महिलाएँ हैं वो डाल जाएगी, उनका चेहरा देखा जाएगा, क्या विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये? देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आइडेंटिटी देखेगी कैसे जो बैठे हैं लोग, और उनकी आइडेंटिटी देखने के लिए आई कार्ड, मुझसे, मैं हालांकि मंत्री कैबिनेट का, लेकिन मुझसे भी आई कार्ड मांगा, तो ये कोई विषय नहीं है, उनका अधिकार है आई कार्ड देखना और चेहरा देखना इस तरीके। अच्छा, आप ये देखिए कि इस तरीके से जो भी साफ, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के को लेकर पहले चरण का मतदान हो रहा है, इस समय हम मौजूद, हमारे साथ में बीजेपी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस बीजेपी का आगरा में चल रहा है और क्या कयास लगाए जा रहे हैं इस बार बीजेपी से मेयर का किस तरीके से चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी
का मेयर पिछले 6 बार से रुका है, तो भी आगरा की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास रखती है। और अब मोदी जी और योगी जी के व्यक्तित्व कृतित्व का कमाल तथा आगरा की जनता की आम आवश्यकता छू, जैसे पानी की समस्या बरसों से थी, अब गंगा जल घर घर मिल रहा है, ऐसे मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन हो रहा है, हर घर में जो गरीब घर हैं उनको आयुष्मान कार्ड, उनके राशन की व्यवस्था, बेघर को घर, शौचालय, ये सब गैस का सिलेंडर, ये सब जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हमारी सरकारों ने माननीय मोदी जी और योगी ने चिंता करके की है, तथा आम आदमी की आवश्यकता की पूर्ति आगरा में हम लोगों ने कराई है, उसका सुपरिणाम है कि इस बार रिकॉर्ड वोटों से तो हेमलता जी जीतेंगी और 3/4 पार्षद जीतकर भारतीय जनता पार्टी के पहुँचे। अच्छा, बुरके को लेकर भी मंत्री जी एक पत्र लिखा गया है, तो क्या कहना है, किस तरीके से बुरके को पहन करके ना जाए, इस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लेटर लिखा गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र की आवश्यकता है वोट डालना, ये बात सही है, लेकिन वोट फर्जी ना डाले ये भी उतना ही सही है, और इसी के लिए पहचान पत्र दिए गए हैं। अब पहचान पत्र में पहचान पत्र के फोटो से मिलान कैसे होगा, जब कोई मैं ही अगर मान लीजिए मास्क पहन के जाऊँ तो मेरा भी मास्क उतरवाया जाएगा, अभी मैं वोट डालने गया, कैबिनेट मंत्री सब जानते हैं, इसके बावजूद आई कार्ड मांगा, मैंने दिया, तो आई कार्ड देना और शक्ल से मिलान करना यह पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, वो अपने अधिकार की पूरा करेगा, इसमें कहीं भी धर्म या वो सियासत नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें आज आगरा में सुबह से ही मतदान हो रहा है, लोगों की अपील के मुताबिक और लोग अपने अपने प्रत्याशी और अपने मेयर को आप चुनावी मैदान में भी चुनाव मंत्री सभी लोग अपना मतदान कार्य कर रहे हैं, इस समय के साथ कैबिनेट मंत्री योगी उपाध्याय जी मेरे साथ इससे बातचीत करेंगे, इस चुनाव को लेकर क्या कहना है सर, मेरे साथ सर जो जनता उत्साह से वोट कर रही है उसको देखकर लग रहा है कि माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व, योगी जी के व्यक्तित्व कृतित्व का कमाल है कि वो जनता उनको ट्रिपल इंजन की सरकार को सौंपना चाहती है। इसी के दौरान ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आगरा की जो समस्या है पूर्ति हुई है, गंगा जल, पहले आगरा में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, आज घर घर गंगा जल पहुँच रहा है, स्वच्छ पानी पहुँच रहा है, एसएन मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन हो रहा है, तो वहाँ पर दवाई की व्यवस्था भी हो रही है। दूसरा, मोदी जी और योगी जी की योजनाओं में गरीब परिवारों के घर अन्न जो बट रहा है, राशन बट रहा है, बेघर को घर मिला है, शौचालय मिले हैं जिनके घर शौचालय नहीं थे, जो बीमार रहे थे उनका आयुष्मान कार्ड मिला है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति मोदी जी और योगी जी ने की, इससे पहले किसी और ने नहीं की। आज जनता ये समझ चुकी है कि उनके हितों की रक्षा सिर्फ मोदी योगी जी यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर सकती है, और आगरा में जो हमारी उपलब्धियाँ हैं उन सबका सुपरिणाम है कि हमारी मेयर रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगी और 3/4 सीटों पर पार्षद जीत कर पहुँचे। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी में वाल्मीकि समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है और भारतीय जनता पार्टी को ही वो वोट मतदान करेगा, किसी और जगह नहीं करेगा, बल्कि उन्होंने जाटव ना देके जाटवों को नाराज कर लिया है, हमेशा जाटव प्रत्याशी देती थी वो बहन जी, लेकिन इस बार जाटव प्रत्याशी ने नहीं दिया, इससे जाटव में उत्साह कम है। इस बात से अखिलेश यादव जी ने कहा कि गंदगी का शहर है, अखिलेश यादव जी की आंखों में गंदगी है, वो तो जब मेरा नेता मोदी योगी सदन में कहता है कि माफियाओं को मट्टी मिला देंगे तो मिर्च उनको क्यों लगती है, वो क्यों उछलते हैं अपनी सीट से कि आप मट्टी में कैसे मिला देंगे, इसका मतलब वो माफियाओं के पोषक हैं और मेरा नेता माफियाओं को निस्तावक करने वाला नेता है। सर, चुनाव में 40% मुक्ति थी, इस बार 40% को लेकर देखिए गर्मी का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जनता में उत्साह है, अल्टीमेटली 6 बजे तक पोलिंग हो रही है, तो 6 बजे तक अच्छा मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान। सर, मतदाताओं से यही अपील है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं, क्योंकि जो केंद्र में है, जो प्रदेश में है, उसी की सरकार लोकल बनेगी, तभी तेज गति से विकास होगा, अन्यथा रुकावट आएंगी, अवरोध पैदा होगा।